नमस्कार, न्यूज सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों की ओर। कैराना के एक उद्योगपति के भांजे के अपहरण की सूचना से कस्बे में सनसनी फैल गई। अपहरण की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अपहृत ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर खतरे में होने की सूचना दी है। पुलिस ने अपहृत हुए छात्र की तलाश में दर्जनों मकान व आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। दरअसल मामला जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के तीतरवाड़ा मार्ग पर सलीम की लोहे की फैक्ट्री है। फैक्ट्री से सलीम का भांजा आसिफ दसवीं का छात्र शुक्रवार देर रात लापता हो गया। परिजनों ने काफी तलाशने के बाद मोबाइल पर छात्र का मैसेज आने के बाद अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। अपहरण की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और घटना स्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई। अपहृत छात्र के मोबाइल से परिजनों के मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें लिखा है कि उसे चोट लगी है और वह मुसीबत में है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए हैं। परिजनों ने किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दे बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई है। सीओ कैराना वीरपाल सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। पुलिस इस मामले में दो पहलुओं से जांच कर रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। कैराना से न्यूज सेवन के लिए अल्ताफ चौधरी की रिपोर्ट। यहाँ पे लेटे हुए थे और घर से आए थे खाना वाना खा के। अंकल ने कहा था कि भाई जाओ लेट जाओ, हम लेट गए जाके। लेटने के बाद क्या हुआ सर, मैंने कहा उससे फ्रिज में पानी की बोतल लिया दो, एक अपने लिए एक मेरे लिए छोटे वाली। पानी की बोतल ले आया ऊपर, पहले वो वर्कर से बात करता रहा काफ़ी देर तक, तब तक मेरी आग लगी, मैं सो गया। तब मेरी 12:30 बजे करीब, 12:15 बजे करीब मेरी आँख खुली, देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। फिर आपको कैसे पता चला? मैंने इधर देखा आगे, इधर 2-3 जगह ट्राई करा उसे बाथरूम में, इधर भी तो मिला नहीं मुझे कहीं भी। फिर मैंने बहुत सारे फ़ोन ट्राई करे उस पर, तो उसने एक कॉल एकदम से कॉल रिसीव करी। काफ़ी कॉल करने के बाद कहने लगा भाई अरे मैं कहाँ है यहाँ से, वो कह लगा मैं ऊपर गोडाउन में हूँ। अच्छा, मैं ऊपर गोडाउन में गया, मैंने सारा गोडाउन देख लिया। अच्छा, फिर मैं आगे लेट गया। मैंने गुस्से में फिर दोबारा मैसेज करा उसे, मगर तो है कहाँ। फिर मैंने अपने अंकल अर्जा सबको बता दिया, मगर भाई वो नहीं मिल रहा, आसिफ नहीं मिल रहा है कहाँ। क्या शंका मानते हैं, बता रहे हैं बाइक पर लेकर गए उसमें? हाँ, उसका मैसेज आया था। क्या 5 बजे के बाद उसके मैसेज आने शुरू हुए मेरे पास। हमने काफ़ी कॉल भी करके देखी, रिप्लाई कॉल नहीं हुई, लेकिन मैसेज आया उसका। वो कह रहा है कि मुझे दो आदमी आए बाइक पे और मुझसे पूछ रहे थे कि किसी का पता पूछ रहे थे, अंसारी नाम कुछ ऐसे ही। वो सारे मैसेज मेरे पास हैं और मुझे बिठा के ले गए। किस टाइम की घटना है? उसने बताया था, मैंने उससे रिप्लाई मैसेज करके पूछा तू यहाँ से किस टाइम गया, वो कह रहा 11 बजे के बाद बाद रात 11 बजे के बाद गया मैं यहाँ से। तो क्या किसी का फ़ोन भी आया है कोई रंगदारी वगैरह के लिए? नहीं, इस तरह की कोई कॉल नहीं आई है हमारे पास। अंजा फैक्ट्री में था और रात में तकरीबन कोई 11 बजे करीब ये यहाँ से गया है जी, और 12 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया भतीजे का, वो कहने लगा यहाँ पे आसिफ नहीं है। तो फिर हमने देखा इसको इधर उधर, तो हमें नहीं मिला। तो फिर उनका एक मैसेज आया उनके पापा के मोबाइल पे, फिर उन्हें वापस हमारे मोबाइल पे फॉरवर्ड किया है वो मैसेज। नहीं, व्हाट्सएप मैसेज आया कि वैसा ही? वैसा मैसेज आया है। क्या लिखा था मैसेज में? मैसेज में लिखा है उसने, अगर अब्बू जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सिर में चोट लगी है और मैं बांध कर डाल रहा हूँ एक कमरे के अंदर। यानी कोई उठा के लेके चला? मुझे कोई ले। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको सर? इसमें तो क्या कह सकता हूँ, ये बच्चा पढ़ता है, कोई अच्छा है। कौन सी क्लास का स्टूडेंट है? 10वीं में है। अच्छा, ये तो क्या लगा, ऐसी आशंका तो अपहरण से हो सकती है? अपहरण हुआ है, क्या हुआ है सर? इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता है। किसी तरह कोई फोन आया, धमकी भरा या अभी तक सर? कोई फोन नहीं आया अभी तक, उनके SMS तो आ रहे हैं। सूचना दे दी आपने पुलिस को? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अपहरण का मामला आया छात्र का, क्या पूरा मामला है? इसमें आज सुबह जो है एक मैसेज और सूचना मिली थी, इसमें आसिफ नाम का लड़का जो है रात में 10:30 बजे अपने घर सोया था और 2:30 बजे उसके पास में एक दूसरा लड़का सोया था, तो उसने उसको गायब पाया। तो उसने उसको फ़ोन किया, तो फ़ोन पे जो लड़का गायब था उसका मैसेज आया कि वो गोदाम पर है।
तो गोदाम पर तलाशा गया तो वहाँ से वो उसको चप्पल उप्पल मिली है और उसको ढूंढा जा रहा है, टीम लगी हुई है, उसका मोबाइल के हिसाब से लोकेशन का कैराना में ही मिल रहा है और हमारी दो टीम उसी में लगी हुई है और ये लगता है कि ये अपहरण का मामला नहीं है, ये लगता है कि खुद ही वो कहीं ना कहीं वो छुप गया है, ठीक है, और उसमें भी हम लोग जो भी सच्चाई होगी उसको सामने लाएंगे। जनपद शामली में छात्रों के दो गुटों में गैंगवार खुलकर सामने आई है, जहां मेन बाजार में दो छात्रों के गुटों में खुलकर चाकूबाजी व लाठी डंडे चले, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। दिन दहाड़े हुए भरे बाजार में छात्रों की गैंगवार की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। दरअसल मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार भिक्की मोड़ का है। कोचिंग से लौट रहे बाइक सवार दो छात्रों को चार बाइक पर हाथों में लोहे की रोड, डंडे व धारदार हथियार लेकर आए आधा दर्जन से अधिक छात्रों के गुटों ने हमला कर दिया, जिसमें छात्र शुभम निवासी गांव भोरा का धारदार हथियार लगने से कान कट गया, जबकि बीए का छात्र दीपांशु निवासी भाजू गंभीर रूप से घायल हो गया। दिन दहाड़े हुई भरे बाजार में छात्रों की गैंगवार की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रों को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर मामले की जांच में जुट गई है। छात्र शुभम ने बताया कि चार बाइक पर आधा दर्जन से अधिक ने हमारी बाइक के सामने बाइक लगाकर घेर लिया और लोहे की राड व डंडे से पीटना शुरू कर दिया, हम किसी को नहीं जानते थे। छात्र दीपांशु ने बताया कि 10-12 लड़के आए और हाथ में लोहे की रोड, बंदूक ले रहे थे और हमें घेर कर पीटना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े छात्रों की गुटबाजी में जहां भरे बाजार हुई, छात्रों की आपसी गैंगवार में मारपीट हुई। घटना के दौरान भरे बाजार में लोग मूक तशक बने रहे, किसी ने भी घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, कितने घायल हैं? घायल कितने हैं? कितना चोट है? मैं कुछ ही बताया था। अच्छा, जैसे गाँव में जा रहा था ना, तो रास्ते में ही चार बाइक आई, एक बाइक हमारे सामने लड़ाई और नीचे मेरे दर्द थी, बजाना चालू हुआ। ये किस बात को लेकर? बात कुछ नहीं थी, मैडम चल रही थी सर। तो पता चला कहाँ के लोग हैं? नहीं। तो कितने लोग हो तुम जो घायल हो? तीन है। आप भी बाइक पे थे? रोड पे जो है वो दो लड़के हमारे पास आए हैं चोटी, जिसका नाम सार्थक, एक का शुभम है, दोनों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और अभी वो क्या किस कारण से उनका झगड़ा हुआ है उसके लिए वो अपने FIR दे रहे हैं, उसी में कार्रवाई। कहाँ के रहने वाले हैं? एक भांजू का है रहने वाला, बाबरी थाने का, एक भोला कला का। शामली के कैराना थाना क्षेत्र में घर में घुसकर दिव्यांग महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला से तमंचे के बल पर तीन लोगों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने दो देवरों समेत तीन लोगों को नामजद किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला शामली जनपद के कैराना थाना क्षेत्र के गांव नगला राई का है, जहां घर में सो रही महिला से उसी के देवर ने एक अन्य के साथ मिलकर गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि घर में अकेली लेटी हुई थी, तभी मेरा देवर अपने साथी के साथ आया और मुझे खाट पर ही बुरी नियत से दबोच लिया और एक देवर ने तमंचे से आतंकित किया। इसके बाद तीनों ने दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपियों ने उसका मुंह दुपट्टे से बांध दिया। इसी बीच उसका पति भी मौके पर पहुंच गया। पति के शोर मचाने पर पड़ोसियों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना पर डायल 100 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी जुटाई। बाद में पीड़ित ने अपने दिव्यांग पति के साथ कोतवाली पहुंचकर अपराधियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर लेकर पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसलिए बलात्कार करने के लिए यहाँ पे चल गया क्यों? पर जबरदस्ती है। अच्छा, कब का मामला है? कब का मामला है? आज का, आज सुबह का जी। अच्छा, ये मेरा आदमी नहीं था वहाँ पे। अच्छा, बाहर गया हुआ था, जो कुर्सी ने मैं मेरे घूमना सूटा हूँ मैं और कट्टा लगा तो मैंने जो ना काट के बाहर लगे, मैंने उसका सिरवान पकड़ लिया। कट्टा लगा रखा था जी? कट्टा लगा रखा था मैं भूबने। देखो, ये जो मेरा आदमी आया थाने में तहरीर दे दी है, तो मेरा आदमी आया, क्या होगा इसे धक्का दे के इसे आदमारा कर दिया। जो नहीं, जैसे मैं 9 बजे चाय बनाई, वो चाय दे के घर वाले जाते थे, तो आज तो देर में 2-3 आए,
तो इन्हें घर वाले के साथ गलत किया। कौन लोग थे? खुर्शीद महबूब जाहिद। अच्छा अच्छा, घरवाली जैसे घरवाली के गले में उन्ना दिया माँ, तो इसकी अचानक आवाज़ निकली, फिर गांव इकट्ठा होगा। फिर जैसे मैं भी घर से बाहर था, मौके पे मैं भी नहीं था, मैं मेरे भी साथ मारपीट करी। डॉक्टरी करा दी? डॉक्टरी टेस्ट हो गया, डॉक्टरी करा दी। आया उसमें? शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब CMO शामली औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। CMO शामली ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना और अस्पताल में गंदगी को लेकर चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाई। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर CMO शामली राजकुमार सिंह औचक निरीक्षण करने के लिए शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और अस्पताल में फैली गंदगी और स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताओं को देखकर चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाई और सभी चीजों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे अस्पताल के वार्डो में कहीं भी एग्जस्ट फैन न होने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि सभी वार्डो में एग्जस्ट फैन लगाए जाएं और अस्पताल में आने वाले मरीजों के बैठने का इंतजाम कराया जाए। थोड़ा सा अस्पताल के अंदर देखो जो सफाई के बारे में, जिससे कि मच्छर वगैरह ना रहे हैं, और जगह जगह अस्पताल के अंदर यहाँ थोड़ा वार्ड में घुटन सी है, एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था ठीक ठाक रहे, पीने के पानी और सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक रहे, दवाई बाहर से लिखने की व्यवस्था, दवाई अंदर मिलती रहे और बाहर से दवाई लिखने की प्रवृत्ति पर थोड़ी रोक लगाई जाए, ये सब चीज़ बन जाएगी। कैराना लोकसभा बीजेपी सांसद हुकम सिंह कैराना पलायन को हवा देने वाले सांसद ने आज फिर एक विशेष समुदाय को दुष्कर्म व अपहरण करने वाला बताकर पूरे समाज को हैरत में डाल दिया। शामली में घर से उठाकर ले गए विशेष समुदाय की नाबालिग के साथ 3 दिन तक अल्पसंख्यकों ने लगातार गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर बेहोशी की हालत में फेंक कर गए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर बीजेपी कैराना सांसद हुकम सिंह ने एक बैठक की। बैठक में सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हुए भी विशेष समुदाय के युवकों ने एक किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार किया। जब हिंदुस्तान में मोदी और योगी के होते हुए भी बलात्कार हो रहे हैं तो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा। उन्होंने कहा, मुझे तो यह सुनकर बड़ा सदमा लगा, सपा कांग्रेस और बसपा वो लोग कहां गए जो एक भी शब्द बच्ची के गैंगरेप के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। बच्ची को देख करके मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, मुझे इतनी तकलीफ हुई। एक बात पे आप लोग विचार करें, ये आपका देश है, भारतवर्ष इसका नाम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इसके बावजूद भी कुछ लोगों में इतनी हिम्मत है, इतना साहस है कि नाबालिग बच्ची को उठाते हैं, ले जाते हैं, दुष्कर्म करते हैं, और वो आज अपने होश में भी नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आप अनुमान लगाइए। जो भारतवर्ष में घटना हो सकती है तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का क्या हाल होगा, थोड़ा विचार करो इस बात के ऊपर। अगर इन लोगों के संस्कार ऐसे ही हैं, यही सिखाया जाता है इनको, तो तुम्हें करना ही करना ये है, तो जहां इनकी सरकार होगी और दूसरे अल्पसंख्यक लोग होंगे उनके जीवन कैसे वहां पर होगा। कहल्ला पुलिस ने गश्त के दौरान रेलवे रोड से कहल्ला निवासी एक युवक को नशीला पदार्थ स्मैक व डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली के कहल्ला का है। पुलिस कस्बे में गश्त कर रही थी, गश्त के दौरान पुलिस को कस्बे के रेलवे रोड स्थित डिग्री कॉलेज के पास एक युवक हाथ में थैला लिए दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर युवक की घेराबंदी करते हुए मौके पर दबोच लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास से नशीला पदार्थ स्मैक व 5 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम मोहल्ला गुजरान निवासी नदीम बताया है। पुलिस ने युवक का आपराधिक इतिहास खंगाला तो युवक इससे पहले भी हरियाणा राज्य से बाइक चोरी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये कल मैं गाड़ी से गश्त करता हुआ कस्बे में लाल लौट रहा, जब मैं डिग्री कॉलेज के सामने आया तो एक आदमी हाथ में थैला लिए हमें दिखाई दिया और वो हमें देख के एकदम वापस हो गया। हमने शक समझा, हमें शक हुआ कि हमें देख के वापस क्यों हुआ। हमने गाड़ी रोक उसे तुम दौड़ के पकड़ा, तो पकड़े बाद में उसमें 5.5 किलो डोडा मिला थैले में, प्लास्टिक के थैले में 5.5 किलो डोडे लिए। तो
सर इससे पहले भी कोई इसका आपराधिक इतिहास रहा है क्या? पहले भी हरियाणा से जेल गया है। कितनी बार जेल गया है? हरियाणा से दो बार जेल जा चुका है, काफी समय जेल में रहा है और क्रिमिनल टाइप का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 7। ओसोदी पब्लिक स्कूल एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रवेश प्रारंभ, प्री नर्सरी से कक्षा 9 तक, प्रशिक्षक एवं योग्य स्टाफ, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, वातानुकूलित अति उत्तम प्ले क्लासरूम, खेल खेल में शिक्षा, डिजिटल स्मार्ट क्लास, खेल कूद डांस के साथ ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। ओसो पब्लिक स्कूल, चौधरी चरण सिंह कॉलोनी, बाजार रोड, शामली। फोन नंबर 01398520960, मोबाइल 9657901617, 9759381617। फिर से स्वागत है। कांडला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बनाते हुए 5 सादिर किस्म के लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार व लूट में प्रयोग एक 3-व्हीलर टेम्पो बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए 5 बदमाशों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला शामली के कांडला थाना क्षेत्र का है। जब पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कांडला के बुढ़ाना रोड सुन्ना पुलिया के समीप 5 शातिर लुटेरे लूटपाट के इरादे से खड़े हैं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए 5 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 5 बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में अपने आप को हरियाणा करनाल निवासी बताया है। बदमाशों ने हरियाणा राज्य से लूटा हुआ एक 3-व्हीलर टेम्पो व अवैध हथियार बरामद कर 5 लुटेरों को जेल भेज दिया है और पकड़े गए बदमाशों का पुलिस आपराधिक रिपोर्ट का पता करने में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में कांडला थाना प्रभारी उमेश रोरिया का कहना है कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बुढ़ाना रोड पर 5 शातिर लुटेरे लूट के इरादे से खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 5 शातिर लुटेरे हरियाणा निवासी हैं। हरियाणा राज्य में उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। 5 लुटेरों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कांडला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग सुन्ना नहर पटरी के किनारे पर बैठ के राहगीरों को लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। तो इस सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से हथियार बरामद हुए और एक टेम्पो बरामद हुआ जिसमें बैठ के लोग राहगीरों से लूट करते थे। क्या सर पहले भी इस तरह के मामले में कोई FIR या कोई मुकदमा वांछित है लोग? हाँ, ये हरियाणा के रहने वाले हैं करनाल के, तो इनका पता किया जा रहा है आपराधिक इतिहास के बारे में। क्राइम सिटी के नाम से बदनाम जिला मुजफ्फरनगर अब पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ का अड्डा बनता जा रहा है, जहां पुलिस रात के अंधेरे में बदमाशों को गोली की भाषा से उनका मनोबल लगातार तोड़ती जा रही है।
मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से पुलिस और बदमाशों के बीच कई बार मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें या तो बदमाश के पैरों में पुलिस ने गोली मारकर बदमाश को लंगड़ा बनाया है या फिर सीधे एनकाउंटर कर मौत के घाट उतारा है। देर रात पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंतराल में दो बदमाशों को कानून का पाठ पढ़ाया, जिसमें बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक 5,000 के इनामी बदमाश फुरकान को तो मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद घायल अवस्था में जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरी मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश नदीम को काकरोली थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाते वक्त रास्ते में ही वो ढेर हो गया। दो दिन पूर्व ही नदीम को मंडी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन नदीम को उसके साथ ही पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर कस्टडी से छुड़ा ले जाने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आज नदीम को काकरोली थाना क्षेत्र में लूट की सूचना के दौरान घेरा और मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया, जिसमें एक दरोगा को भी गोली लगी है, जिसको हाथ में गोली लगी होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। 5 घंटों में मुजफ्फरनगर के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिस को मिली सफलता से अब SSP अनंत देव तिवारी भी अपनी टीम का हौसला अफजाई करते दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार की अंधेरी रात क्या हुई के बदमाशों का कालचक्र तेजी से घूमा और उनकी मौत बनकर वर्दी में यमदूतों की सेना ने उन्हें जनपद की दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में घेरना शुरू किया। पहले बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 5,000 का इनामी बदमाश फुरकान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 5 घंटों के बाद काकरोली थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व पुलिस अभिरक्षा में पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंक कर फरार हुए 15,000 के इनामी बदमाश नदीम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ढेर किया है। इस दौरान मुठभेड़ में विजय त्यागी नाम का एक दरोगा भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गया। दोनों ही बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार के बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में बदमाशों का सफाया हो रहा है। मुजफ्फरनगर से न्यूज 7 के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। शाम को एक डायल 100 पर सूचना हुई कि मीरापुर थाना क्षेत्र से कुछ बदमाश लूट करके एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर फ्लैश हुआ उस पर बताया गया कि कुछ बदमाश हैं इसमें और यहाँ से लूट का प्रयास करके भागे हैं। उस पर ये चेकिंग चल रही थी यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हुए हैं। इधर ये संभल हेड़ा की ओर से कुछ बदमाश आते हुए पुलिस पार्टी को दिखे और जैसे ही इन लोगों ने इंटरसेप्ट किया उसके इंटरसेप्शन पर बदमाश अपनी मोटरसाइकिल मोड़ करके ऐसे भागे और इधर जो आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, इधर ही एक्सचेंज ऑफ फायर में दरवाजे की गोली लगी और उस पर उसके बाद फिर इन लोगों ने भी आत्मरक्षा फायर किया जिससे कि बदमाश इंजर रहा, उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पे डेड डिक्लेयर हुआ। उसकी पहचान नदीम जो बागों वाली का था, अभी आप 3 दिन पहले देखे होंगे, जो कि मिर्ची झोंक करके और ये एस्कॉर्टिंग कांस्टेबल के मिर्चा झोंक करके भाग गया था। उसके पास से 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। इस पर 15,000 रुपये का पुरस्कार ADG जोन महोदय द्वारा किया गया था उस और एक बदमाश यहाँ भागने में सफल रहा है। ये पूरी घटना है, पुलिस की ओर से एक दरवाजे को हाथ में गोली लगी है, उसी के बाद ही आत्मरक्षा फायर में ये बदमाश मारा गया। मुजफ्फरनगर में बीती रात एक दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने महिला डॉक्टर के यहाँ चौधरी नर्सिंग होम पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर 5 लाख की नकदी सहित 4 लाख रुपए के जेवर लूट कर 3 घंटे तक जमकर तांडव मचाया। घटना की जानकारी मिलने पर SSP अनंत देव तिवारी ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। तहसील बुढ़ाना के कस्बा शाहपुर में चौधरी नर्सिंग होम की मालिक डॉक्टर साजिदा पत्नी जुनेद चौधरी अपने परिवार के साथ बीती रात सो रहे थे। मकान का जंगला फाड़ एक दर्जन हथियार से लैस बदमाशों ने डॉक्टर के बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर घर में रखे 5 लाख रुपए की नकदी सहित 4 लाख रुपए के जेवर लूट कर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद शोर मचाने पर पड़ोसियों ने आकर पुलिस को सूचना दी। बाद में मौके पर पहुंचकर SSP अनंत देव तिवारी ने छानबीन करते हुए 3 टीमें गठित कर शीघ्र खुलासे की बात कही। घटना की जहाँ पे आप भरे हैं फिर डॉक्टर जुनेद साहब के यहाँ हुई और इसमें रात को बदमाश ऊपर से आकर के और सुबह लगभग 1.5-2 बजे आए और 1.5 घंटा इंतजार कर दिया। 5 बजे थी जब मेरा दरवाज़ा खुला है तब अंदर जाकर के जब ये लोग आए उनके यहाँ जो कैश पुलिस हम दे गए। मुजफ्फरनगर में देर शाम मंदवाड़ा रोड पर राहगीरों से लूटपाट कर रहे बदमाशों की सूचना मिलने पर पहुंची बुढ़ाना पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से चली गोलियों में एक 5,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मौके से बाइक और तमंचा बरामद कर बदमाश को CSC में भर्ती कराया, जहां बदमाश की गंभीर हालत को देखते हुए
डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। पुढ़ाना कोतवाली प्रभारी चमन सिंह चावड़ा को मुखबिर से सूचना मिलने पर वह भारी पुलिस बल के साथ मदवाड़ा रोड पर लूटपाट कर रहे बदमाशों को ललकारा तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी बदमाशों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक 5,000 का इनामी बदमाश फुरकान पुत्र भूरा निवासी मदवाड़ा के पैर में गोली लग गई और वह वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके दो साथी फरार होने में सफल हो गए। पकड़ा गया बदमाश बुढ़ाना और शामली के थाना भवन में डाली गई डकैतियों में वांछित चल रहा था, जिसके चलते उस पर के इनाम की घोषणा की गई थी। बुढ़ाना से न्यूज 7 के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। एक घायल आदमी आया था, पुलिस वाले ले गए थे सोनम बजी की तरफ, उसके टांग में चोट लगी हुई थी, पुलिस मुठभेड़ में उसको चोट लगी है, तो वो लोग लेके आए थे उसके यहाँ पे, तो हमने यहाँ से उसको मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया। उसके पैर का एक्सरे होना है, तो एक्सरे करके पैसे लगा कि क्या हो रहा है। एक अपराधी जो है मनवाड़े के जंगल में छिपा हुआ है, तो उस संदर्भ में हमारे इंस्पेक्टर साहब ने माइक पुलिस के साथ तलाशी के दौरान लगभग 2 घंटे मुठभेड़ चली। इस दौरान एक बदमाश फुरकान साना भूरा संज्ञान में है, जिसके पैर में गोली लगी और बाद में उसका क्राइम हिस्ट्री निकाला गया, जिसमें हमारे यहाँ से कम 9 मुकदमे चल रहे हैं तथा थाने भवन से 1 मुकदमे में वांछी। और कितने बदमाश थे सर इसके साथ? कुल 3 बदमाश थे जो मौके से 2 फरार। क्या क्या बरामद हुआ है इसके साथ? इनसे 1 तमंचा। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।